जहाँ पर एक और कोरोना की महामारी ने लोगों को परेशान कर कर रखा है, वहीं पर अगर हम बात करें तो भिवंडी कामतघर इलाके में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। पिछले 3 महीनों से पानी के लिए जूझ रहे ये लोग, इनकी तकलीफें सुनने वाला कोई नहीं। हालांकि यहाँ के जो स्थानिक लोक प्रतिनिधि हैं, जो नगर सेवक हैं, उन्होंने महानगर पालिका में 2 से 3 बार कंप्लेन भी किया, पर इसके ऊपर कोई भी निर्णय महानगर पालिका ने नहीं दिया है। हमारे साथ यहाँ के रहवासी हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि आखिरकार पानी के लिए जो हाहाकार मचा है, आप कितने दिन से परेशान हैं और क्या हालात है। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से हालात है यहाँ की पानी के लिए? सर लोग यहाँ से रहने के लिए तो बहुत दिन हो गया, अभी पानी लोग बोलते तो आएगा 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 करके, अभी नया पंप लाइन डालेंगे नया लाइन डालेंगे वो बोलते बोलते 6 महीना हो गया, और डाल के भी 3 महीना हो गया, 3-4 महीना, और उसमें भी यही हाल है। पानी अभी देखो नल चालू है, एक भी मोटर चालू करेगा तो भी पानी नहीं आ रहा है। कितने दिन से आप लोग परेशान? तो बहुत पहले से है, अभी तो 3-4 महीने से और तकलीफ है। अभी इस मौसम में पानी चाहिए, हाथ दो ये दो, और पानी नहीं आ रहा, क्या करें? क्या कहेंगे, कितना क्या समस्या है? हमारे नगर में सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है। जितनी बार नगर पालिका में हम लोग जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती। नगर सेवक कहो तो नगर सेवक बोलते कि ऊपर वाले कमिश्नर को ध्यान नहीं देते। जब नगर सेवक नहीं ध्यान देता है, कमिश्नर नहीं ध्यान देता, हमारी पब्लिक जावे का तो जावे कहा। आज और लोग दो दो तीन तीन बजे एक एक पानी का 2 बजे जाके उधर से इधर से एक एक हंडने के लिए एक एक दो दो बजे दूसरे घर में जाती है। आज भी औरत लोग पानी के लिए, और यहाँ नया पानी डालने के बावजूद पानी नहीं मिलता है। नगर सेवक को बोलो तो वो बोलते ऊपर से प्रेशर छोड़ते नहीं, तो सुने तो हम किसके सुने? और अगर ये बात अगर हमारे कमिश्नर साहब सुनते हैं तो बहुत अच्छा है, ताकि हमारी जो पब्लिक जो है यहाँ का जो कर भरती है सब कुछ, हमारे प्रभाव क्रमांक 3 में सबसे ज़्यादा कर मिलता है, पानी पट्टी मिलती है, फिर हमारे लोगों से इतना बैर क्यों है वो लोगों से? हमें जब देखो जो पानी का ही प्रॉब्लम रहता है, और ऊपर सरकार तो बोलती है रोज़ हाथ धो, 30 मिनट 10 टाइम हाथ धो, एक करोड़ का लपड़ा ऊपर से ये या पीने को पानी तो हाथ पे क्या धो से? 4 महीना हो गए हम लोग यही सब ले रहे हैं। ये बात है, अगर नल है मोटर वीटर लगा के देख लो, इतना ही है पानी ही नहीं आ रहा है। मोटर लगा के भी फायदा नहीं है, और ऐसा भी कितना नगर सेवक के पास तो मेन बात तो यहाँ ऊपर से प्रेशर ही नहीं आता है। महानगर पालिका प्रेशर का ध्यान देगी तो पानी आएगा ना पाइप में। अगर प्रेशर नहीं तो पानी कितना अच्छा पाइप डालो या कुछ भी करो, आप लोग प्रेशर इतना बड़ी बस्ती है और आप लोग प्रेशर नहीं छोड़ते तो पानी कहाँ से आने वाला है? ये हनुमान नगर अपना वार्ड, हनुमान नगर जो हनुमान साहब का वार्ड है, और हम लोग को पानी का बहुत तकलीफ है। बहुत बहुत हनुमान नगर वासियों को ऊपर से नीचे लेके पानी की बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें हनुमान साहब ने 2-3 टैंकर भी मंगाया पानी का, फिर भी नहीं पूर रहा है। दूसरा वार्ड की उन्होंने टैंक बैठाया, क्या क्या मतलब बहुत सारे प्रयोग किए हैं, फिर भी हम महिलाओं को पानी नहीं मिल रहा है, जो कि अभी कोरोना के बीमारी के वजह से खाने की तकलीफ है, फिर ऊपर से अपना काम धंधा बंद है। और हनुमान साहब ने पटनागर साहब के पास और वायकवाड़ साहब के पास जाके विनती भी किया, उनको अनुग्रह भी किया कि पानी दीजिए वार्ड में। फिलहाल अभी तक हमें लोग को पानी का कोई भी मतलब समस्या हल नहीं हुआ है। हनुमान साहब प्रयास कर रहे हैं कि पानी की समस्या कम से कम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर रहे थे। ये पानी नहीं है इसके अंदर, ये पानी नहीं है इसके, ये पानी नहीं इसके अंदर, सभी में यही हालत है। नहीं है चालू है ना, चालू है ना, चालू है ना, बंद है, अरे चालू है वो बंद कर उसको, बंद कर, हट जा जरा, लंबा हट जा जरा। तो ये यहाँ के लोगों का आपने ये समस्या सुनी, किस तरीके से यहाँ पर पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, फिर भी महानगर पालिका अधिकारी कुंभकर्णी नींद में मस्त है, उन्हें
घर बैठे जो पानी का स्वाद मिल रहा है, कभी ग्राउंड लेवल पर आकर यदि अगर इन झोपड़पट्टी में रहकर एक दिन देखे तो पानी की जरूरत क्या होती है उन्हें भी समझ में आएगा। बहरहाल यहाँ के नगर सेवक ने जिस तरीके से 3 से 4 बार कंप्लेन करने के बाद भी महानगर पालिका के अधिकारियों की नींद नहीं टूटी है, अब देखना यह है कि महानगर पालिका कितना सतर्कता दिखाती है और यहाँ के लोगों का समस्या कब हल होगा। देखते रहिए।